नमस्ते, मैं प्रमोद कुमार, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सीसीआरएच के अधीन सीआरयू के अंतर्गत एनपीसीडीसीएस प्रोग्राम के तहत मिली पीपीएससी में योग इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत हूं। हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करके स्वच्छता का ध्यान रखते हुए, सतर्कता बरतते हुए और संतुलित जीवनचर्या को अपना करके कोरोना काल में भी कोरोना को मात देते हुए स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, इसी के ऊपर में हमारा ये वीडियो है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए चार चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक तो स्वास्थ्य, दूसरा स्वच्छता, तीसरा सतर्कता बचाव और चौथा संतुलित जीवनचर्या। स्वास्थ्य की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जैसे होम्योपैथ में आर्सेनिकम 30 लाखों लोगों को बांटा है। दूसरा, आयुर्वेद के अंतर्गत बहुत सारा औषधियों का काढ़ा बना करके लोगों को दिया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है इस बारे में। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए योगाभ्यास ये बहुत ही आवश्यक है। तो हम पहले कुछ योगाभ्यास करके देखेंगे। सबसे पहले सूक्ष्मयाम। सूक्ष्मयाम में दोनों पैरों को खोलना है, पैर को आगे पीछे करना है, फिर राउंड करेंगे, रिवर्स, इसी तरह से राइट लेग को मोड़ करके लेफ्ट को ऊपर रखते हैं, अप डाउन करते हैं। दूसरे पैर से भी इसी तरह से बटरफ्लाई। तो ये पैरों का कुछ सूक्ष्म व्यायाम हो गया। अब हाथों के लिए, हाथों कंधे के लिए शोल्डर को राउंड करेंगे। जब एल्बो ऊपर की ओर जाता है तो श्वास को अंदर बढ़ते हैं, नीचे लाते समय श्वास बाहर, फिर इधर से उल्टे तरफ से। ये शोल्डर राउंड 5-5 बार करके या 10-10 बार करके, एक राउंड में 10 बार या 5 बार करके तीन राउंड तक कर सकते हैं। उसके बाद में ये भी एक सूक्ष्म व्यायाम है। जब हाथों को खोलते हैं तो श्वास को अंदर भरते हैं, मोड़ते समय श्वास बाहर, ठीक इसी तरह से आगे में। तो ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम हो गया। अब हम खड़े होकर करने वाले आसन करेंगे। सबसे पहले ताड़ासन, दोनों पैरों को मिला लेंगे, हाथ को इंटरलॉक करके सिर को ऊपर रखेंगे, श्वास भरते हुए पैर के पंजे पर खड़े होना है। तो ये ताड़ासन, एक एक आसन में अगर आपने कभी अभ्यास नहीं किया है तो शुरुआत में 5-10 सेकंड रुकें। अगर आप अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास में आदत हो जाए तो आप एक एक आसन में 15 सेकंड से 30 सेकंड 1 मिनट तक रुक सकते हैं और अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। तो ये ताड़ासन हो गया। दूसरा कठिन चक्रासन, दोनों हाथों को फैलाते हैं, श्वास अंदर भरेंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए टर्न हो जाएंगे। इसी तरह से श्वास लेकर वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड। ये कठिन चक्रासन। तीसरा पादहस्तासन करते हैं, श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए डाउन, आगे की ओर झुक जाएंगे और माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। इसमें देखना है जिनको भी कमर दर्द है तो वो आगे ना झुके। चौथा अर्ध चक्रासन, दोनों पैरों में गेप करते हैं, हाथ कमर के पीछे रखेंगे, श्वास अंदर भरेंगे और पीछे की ओर कमर गर्दन को मोड़ेंगे।
ये कट अर्ग चक्र आसन। वैसे तो खड़े होकर करने वाले और भी बहुत सारे आसन हैं, लेकिन ये चार आसन भी काफी है, ताड़ासन, कटे चक्रासन, पादहस्तासन, अर्ध चक्रासन, तो इतना भी कर ले। अब हम बैठकर करने वाले आसन करेंगे। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाते हैं। अगर घुटने में दर्द है तो वज्रासन में नहीं बैठना है। ये आसन हमारे डाइजेशन को भी अच्छा करता है, इसलिए खाना खाने के बाद में जिनको घुटने में दर्द नहीं है वो इस आसन में बैठ सकते हैं। उष्ट्रासन करेंगे, दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, गैप रहेगा हाथ कमर पे पूछे। अर्धोष्ट्रासन करते हैं, श्वास अंदर पड़ेंगे और पीछे की ओर झुक जाएंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे। उष्ट्रासन करने के बाद में आगे झुकने वाले कोई भी आसन कर सकते हैं, जैसे पश्चिमोत्तानासन, लेकिन बढ़िया रहता है शशांकासन करने के लिए। तो शशांकासन करने के लिए दोनों हाथ को श्वास लेकर ऊपर उठाते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। इसके अलावा और भी आसन है, गोमुख आसन आप कर सकते हैं, वक्रासन कर सकते हैं, मंडूकासन कर सकते हैं, पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। तो अपने अपने शरीर के सुविधा के अनुसार आप आसन को कर सकते हैं। तो ये बैठकर करने वाले आसन होंगे। अब हम पेट के बल लेटकर करने वाले करेंगे। सबसे पहले मकरासन, दोनों पैरों में लेट करेंगे और इस तरह सो जाना। ये आसन कमर दर्द के लिए भी काफी बढ़िया है और रिलैक्सेशन के लिए भी। मकरासन के बाद हम लोग भुजंगासन करेंगे, दोनों हाथ को कंधे के पास रखेंगे, सांस लेते हुए उठना है। जितनी देर आप यथाशक्ति यथासंभव रुक सकते हैं आराम से उतने देर ही रुकना है। फिर श्वास छोड़ते हुए डाउन। ये भुजंगासन, इसका भी अभ्यास शुरुआत में आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। जैसे जैसे अभ्यास की आदत हो जाए तो आप इसको एक एक राउंड में 10 से 15 बार कर सकते हैं, और इस तरह से 3 राउंड 5 राउंड कर सकते हैं। पीठ के बल लेटकर करने वाले करेंगे। पहले हम लोग करेंगे उत्तान पादासन, एक एक पैर से श्वास लेते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पर, श्वास छोड़ते हुए डाउन, फिर दूसरे साइड से 10 डाउन। ये आसन कॉन्स्टिपेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, डायबिटीज के लिए बढ़िया है, जिनको गैस्ट्रिक की समस्या है उनके लिए आसन बहुत ही बढ़िया है, पेट के फैट को कम करता है, चर्बी को। अब दोनों पैरों से करेंगे अर्धनारासन, सांस लेते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पर, ध्यान रखेंगे पैर का पंजा आसमान की तरफ खींचा हुआ हो, इस तरह से नहीं करना है, आसमान की तरफ खींचा हुआ रहना चाहिए। नजर पैर के अंगूठे पर रहेगी। अगर एक आसन में ज्यादा देर रुकना पड़ा तो जितने देर आप यथासंभव श्वास को रोक सकते हैं रोकेंगे, उसके बाद नॉर्मल सामान्य श्वास पर श्वास चलती रहेगी। श्वास छोड़ते हुए डाउन। ये अर्धनारासन शुरुआत में 2 से 3 बार कर सकते हैं, जैसे जैसे आदत हो आप इसको बढ़ा सकते हैं। फिर लास्ट में शवासन, तो ये संक्षिप्त में कुछ आसन का आपको डेमो दिया गया। अब हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में आप भस्त्रिका कर सकते हैं, दोनों हाथ को इस तरह से रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, लंबा श्वास लेना है, लंबा श्वास बाहर छोड़ना है, श्वास को धीरे धीरे लंग्स में भरना है,
फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। इसमें ध्यान देंगे श्वास को रोकना नहीं है। ये लंग्स को मजबूत करता है भस्त्रिका प्राणायाम। जब हमारा लंग्स मजबूत होगा तो कोरोना कहां से हमला करेगा हमारे ऊपर में। दूसरा अनुलोम विलोम, दाहिने नाक को बंद करेंगे, बाएं नाक से श्वास अंदर भरेंगे, फिर बाएं को बंद करके दाहिने से बाहर, फिर दाहिने से अंदर, फिर बंद करके बाएं से बाहर। यह अनुलोम विलोम का एक राउंड हुआ। इसी तरह से शुरुआत में 3 से 5 राउंड करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ते जाते हैं आप इसको एक बार में 10 मिनट 15 मिनट भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अनुलोम विलोम के फायदे हैं। हाइपरटेंशन में ये काम करता है, माइग्रेन की समस्या है, साइनस की प्रॉब्लम है तो उसमें भी अनुलोम विलोम बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा प्राणायाम और भी बहुत सारे हैं, जैसे उद्गीत प्राणायाम हो गया जिसमें हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं इस तरह से। तो ये उद्गीत प्राणायाम आप शुरुआत में 3 से 5 बार करें, धीरे धीरे इसको 11 से 21 बार कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्राणायाम हैं, जैसे कपालभाति हो गया, अगर प्रेशर का अगर हाइपरटेंशन की समस्या नहीं है तो आप कपालभाति कर सकते हैं, लेकिन अगर सर्वाइकल की समस्या है, बैक पेन है तो आप कपालभाति ना करें। ऑपरेशन हुआ है या पीरियड्स के टाइम पर आप कपालभाति ना करें। साथ में सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे योगाभ्यास हैं जिसको करने से हमारी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी तरह से मजबूत हो जाती है। और जब इम्यूनिटी हमारी मजबूत रहेगी, अभी कोरोना से बचने के लिए भी बोला जाता है कि इम्यूनिटी को मजबूत करना है, तो आप अब संतुलित जीवनचर्या का जैसे मैंने अभी बात किया था, तो संतुलित जीवनचर्या में आता संतुलित आहार, संतुलित नींद। अगर हमारा आहार ठीक है, नींद हम सही से ले रहे हैं, समय पर सो रहे हैं, समय पर जाग जा रहे हैं और योगाभ्यास करते हैं, तो हमारा इम्यूनिटी डेफिनेटली हम अच्छा हो जाता, मजबूत हो जाता। और फिर कोरोना वायरस से कोई डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सतर्कता बचाव का ध्यान रखें, थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें, हाथ को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें अच्छे हैंडवाश से, और मास्क का उपयोग जब हम करते हैं तो ध्यान रखें कि अगर आप घर पे हैं, बहुत सारे लोगों का क्या है कि घर पर भी हैं तो मास्क पहने हुए हैं, अकेले में भी बैठे हुए हैं तो मास्क पहने हुए हैं, तो उसको समझें आप। एक और बात कि हमें ना कोरोना में एक दूसरे की मदद भी करनी है। जैसे कोई पेशेंट अगर पॉजिटिव हो गया तो हम क्या करते हैं, दूसरे बोलते हैं वो देखो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, इससे क्या होता है अगला ना वो मेंटली टॉर्चर होता है। तो इसका ध्यान रखें कि हमें लोगों का इस तरह से भेदभाव भी नहीं करना है, जिससे वो मतलब मानसिक स्तर पर अपने आप को कमजोर महसूस करे। तो ये सब बातें हैं। स्वच्छता का ध्यान रखें, आसपास गंदगी ना होने दें, क्योंकि उससे भी बहुत सारी बीमारियां होने का डर रहता है। दूसरी चीज के अब जब भी मल त्यागे तो हाथ पैर मुंह को अच्छे से धो लें, और अपने खान पान को सही रखें, बासी भोजन ना करें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें। तो ये सब आप स्वच्छता का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य पर योगाभ्यास के द्वारा ध्यान रखें, संतुलित जीवनचर्या को अपनाएं, सतर्कता बरतें, तो फिर डेफिनेटली हम कोरोना वायरस से बचे रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और कोरोना वायरस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, बस जागरूकता की जरूरत है। आयुष मिनिस्ट्री ने जो होम्योपैथ के अंदर आर्सेनिकम 30 दवा लेने के लिए बोला है तो उसका उपयोग करें। बहुत सारे आयुर्वेद में औषध काढ़ा लेने के लिए बोला गया है, च्यवनप्राश खाने को बोला गया, हल्दी वाला दूध पीने को बोला गया, तो इन सब के बारे में जानें और इनको लें। धन्यवाद।